माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नर्वस सिस्टम। बच्चों जान लीजिए कि शरीर में जो भी कोऑर्डिनेशन होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा ही होता है, और ये नर्वस सिस्टम ही जो है हमारे शरीर को पूरा कंट्रोल करता है। यहाँ पे देखिए, द नर्वस सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ द एनिमल बॉडी दैट कोऑर्डिनेट इट्स बिहेवियर। मतलब जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, वो एनिमल बॉडी का एक प्रमुख भाग होता है। वो एनिमल बॉडी का क्या होता है, एक प्रमुख भाग होता है जो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। क्या करता है, जो कोऑर्डिनेट करता है। किसको कोऑर्डिनेट करता है, बिहेवियर को। किसको कोऑर्डिनेट करता है, वो बिहेवियर को कोऑर्डिनेट करता है। एंड ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, और वो शरीर के अलग अलग जो हिस्से हैं, अलग अलग जो बॉडी है के हिस्से हैं, उनमें जो क्या है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, जो नर्वस सिस्टम है वो मेनली हमारा जो दो पार्ट से मिलके बना होता है। पहला पार्ट्स जो हमारा है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा वाला जो है हमारा वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगेन टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये हमारा है ब्रेन, और जो दूसरा है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। और जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो फिर दो भागों में होता है। ये आपका एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, और दूसरा होता है आपका पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके आगे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, अभी हम सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं। कहने का मतलब ये कि जो शरीर में जो कोऑर्डिनेशन होता है, एक हिस्से को दूसरे हिस्से को जो जोड़ने का कार्य होता है, कि ये कैसे एक साथ एक हिस्से से दूसरे हिस्से के साथ में ये कार्य करते हैं, वो सब हमारा इसी नर्वस सिस्टम के साथ में होता है। नीचे देखिए लिखा है, नर्वस सिस्टम इज़ अ कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द नर्व सेल्स। ये क्या होता है, नर्व सेल्स का एक कॉम्प्लेक्स जो है आपका स्ट्रक्चर सिस्टम होता है, एक नेटवर्किंग होती है कॉम्प्लेक्स दैट कैरी मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। जो ये क्या करती है, मैसेज को आपको ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक, मैसेज को ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड से, और फिर उसके बाद वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ये क्या होती है, आपको पहुंचाती है। नीचे देखिए, द नर्व सेल आर द स्पेशलाइज्ड सेल। जो नर्व सेल होती है ये आपकी क्या होती है, स्पेशलाइज सेल होती है एज द न्यूरॉन्स। और इसे हम किस नाम से जानते हैं, नोन एज न्यूरॉन्स के नाम से। इसी नर्व सेल को हम किस नाम से जानते हैं, न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। दैट ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो शरीर के अलग अलग हिस्से में क्या होता है कि आपके उसको मतलब सिग्नल्स को प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं अच्छी तरीके से कि ये जो है आपका नर्वस सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन है, ये बता रहा है आपको कि जो नर्व सेल होती हैं वो एक प्रकार की स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, जो शरीर के अलग अलग हिस्सों में क्या होता है कि आपके